कभी आपके जिंदगी में ऐसा हुआ है कि बिन बुलाए मेहमान घर में आ गए? कितने लोगों की जिंदगी में ऐसा हुआ है कि बिन बुलाए मेहमान? अभी कुछ दिन पहले मैं किसी के घर में चला गया था बिना बताए। आई होप कि जिसके लिए आपने हाथ उठाया वो मैं नहीं हूं। अगर हूं तो मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन ऐसा हुआ है राइट कि कभी कभी बिन बुलाए मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रार्थना के बारे में शिक्षा दे रहे थे। यीशु मसीह एक बार प्रार्थना कर रहे थे। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बाइबल से बता रहा हूँ, लूका 11 में लिखा हुआ है। माइक को ही अपने हाथ में पकड़ लो बाइबल पढ़ने वाले लोग। एक बार की बात थी, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और यीशु मसीह ने बिन बुलाए मेहमानों के बारे में प्रार्थना करते समय, प्रार्थना के बारे में सिखाते हुए यीशु ने बिन बुलाए मेहमानों के बारे में बता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात क्या थी। एक बार की बात है, ओपन टू लूक 11, यीशु मसीह प्रार्थना हम सुनते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। लूका 11 एंड लेट्स रीड फ्रॉम देयर। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है? नहीं नहीं 11:1। फिर ऐसा हुआ कि वह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। हाँ, सारे मुझे बताओ यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह एक जगह पर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। समझ में आ गया क्या हो रहा है? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना खत्म होने के बाद चेलों ने कहा, यीशु मसीह हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। उसके फिर यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं और प्रार्थना का जो परफेक्ट ढांचा है यीशु मसीह उनको बताते हैं प्रार्थना किस प्रकार की जाती है। क्या सिखाया यीशु मसीह ने, कैसे प्रार्थना करो? फिर यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने प्रत्येक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। ओके, तो यीशु मसीह उनको क्या करना सिखा रहे हैं? सारे मेरे को जवाब देंगे, यीशु मसीह क्या करना सिखा रहे हैं? ओके, यीशु मसीह लोगों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। उसके बाद जब यीशु ने प्रार्थना का ढांचा दे दिया, उसके बाद यीशु उनसे कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है? आगे पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वह भीतर से उतर कर देकर कहा, मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहता हूं कि यद्यपि मित्र होने के नाते वह ना उठे और ना उसे कुछ भी दे, फिर भी उसके अत्यंत आग्रह करने पर वह उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो देगा। तो यीशु मसीह कहते हैं, एक आदमी है, दिन भर उसने बड़ी मेहनत करी है और अब वो थक चुका है, रात के 12 बज चुके हैं, आप मुझे बताओ वो आदमी क्या कर रहा होगा, क्यों सो रहा होगा? पहली बात तो सोने का टाइम है, और क्या करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्यों सो रहा है? क्योंकि वो दिन भर के काम से थका हुआ है। 12 बजे वो सो रहा है, उसकी बीवी बच्चे सब बिस्तर में हैं, सब सोए हुए हैं और उसका एक राह चलता एक व्यक्ति जो एक सफर में है उसके घर में ठकठकाता है और वो क्या उस आधी रात को उसके घर में आना चाहता है। ये आदमी क्या है, इसको ये कहता है कि मैं आराम कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। वो ये इस आदमी ने जब दरवाज़ा खोला, वो उस व्यक्ति की
अवभगत करना चाहता है, उसे सिर्फ रात में सोने की जगह ही नहीं, उसको वो खाना खिलाना चाहता है, पर उसके घर में कोई खाना नहीं है। अब उसके घर में कोई आ तो गया, रात में कब आया, 12 बजे आया, बिन बताए आया, एकदम से आ गया। अब उसके पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करता है, साथ वाले पड़ोसी के पास जाता है, जो बड़े अच्छा अमीर आदमी है, उसके घर में जाता है और क्या बोलता है, क्या बोलता है, हाँ मेरे घर में कोई आया है और तू मुझे खाने के लिए दे दे। उसने बोला कि मैं बहुत अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो आदमी क्या करेगा, उसे उठेगा और उसे सारा सामान खाने के लिए दे देगा। इसके बाद अब ध्यान से आप मेरी बात को सुने, ठीक है। इसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और अगर तुम खोजोगे तो तुम पाओगे। हमने हमेशा से इस वचन को हमने इस प्रकार से सीखा है, सुना है कि बाइबल कहती है मांगो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और तुम खोजोगे तो तुम पाओगे। और इस वचन को हमने इस प्रकार लिया, सारी जिंदगी हमने इस प्रकार लिया है कि हमें अपने लिए मांगना है और हम प्रभु से अपने लिए मांगेंगे तो हम पाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको दे देगा, और यही हमने सीखा है। लेकिन जो बात मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं इस कहानी के जरिए, बिन बुलाए मेहमान जब घर में आ गए, यीशु मसीह ने इस कहानी का इस्तेमाल करके जो बातें, जो गहरी गहरी बातें वो हमको सिखाना चाहता है, वो बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हम सब अपनी जिंदगी में बड़े आराम से जी रहे होते हैं, हम अपने अपने काम करने में व्यस्त रहते हैं, हम दिन भर मेहनत करते हैं और थक जाते हैं, और हमें लगता है कि मैं तो थक गया, अब तो आराम करना मेरा राइट है, मेरा अधिकार है कि मुझे आराम करने दिया जाए, और मुझे परेशान मत करो, मैं थक चुका हूं, मुझे 6 बजे उठ के दोबारा दफ्तर जाना है, मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है, मेरे पास समय नहीं है लोगों के लिए आधी रात को दरवाजा खोलने के लिए। ये आधी रात में जो मेहमान जब दरवाजे पे जो आते हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो सिर्फ मजाक में हमने एक बात बना दी, लेकिन इसका कुछ गहरा मतलब है। आधी रात में जो आदमी आपके दरवाजे पे खटखटाता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, काम करने में व्यस्त हैं, और आप थक चुके तो अब आप आराम करने में व्यस्त हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में जरूरतमंद लोग आपके जिंदगी में आते हैं। ये आदमी जो था, ये रात में बहुत आराम से ये रेस्ट कर रहा है, रात के 12 बज चुके हैं और ये रेस्ट कर चुका क्योंकि थक चुका है, उसको लगता है कि आराम करना उसका अधिकार है, लेकिन आधी रात को उसके दरवाजे पर एक आदमी आ गया। आप और मैं अपना अपना जीवन जीने में बड़े व्यस्त हैं, लेकिन एक बात जो मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी सिखाई थी, अगर परमेश्वर लोगों को आपकी जिंदगी में भेजता है, उसके पीछे कोई कारण है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, परमेश्वर उसे अपनी पवित्र मर्जी के अनुसार उस व्यक्ति को आपकी जिंदगी में लाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो परमेश्वर उसकी जिंदगी में करना चाहता है आपके द्वारा। ये आदमी था जो सफर कर रहा था, इसे आधी रात में जरूरत थी कि इसको रात काटने के लिए 6 घंटे के लिए कोई अपना घर उसके लिए खोल दे, तो इसने आधी रात को जाके अपने मित्र को उठाया और कहा कि मैं 6 घंटे तक तेरे घर में आराम करना चाहता हूं। कौन है ये हमारी जिंदगी में, कौन है ये व्यक्ति जो आधी रात में बिन बुलाया मेहमान, कौन है आपके लिए मेरे लिए, कौन है ये बिन बुलाया मेहमान? ये वो लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जिनकी जिंदगी में जरूरतें हैं, जिनकी जिंदगी में नीड्स हैं, जो टूटे मन वाले लोग हैं। मुझे बहुत दुख हुआ इस हफ्ते जब शुक्रवार थर्सडे का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था, और दोपहर 2 बजे एक भाई ने मुझे कॉल किया, और उस भाई ने मुझे कॉल किया तो मैं ये प्रेयर बुक बनाने में बहुत व्यस्त था, आई वॉज वेरी बिजी डूइंग दिस बुक, और मैंने उस भाई से कहा कि भाई मैं आपको कॉल बैक करूँगा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं कॉल बैक करना भूल गया। कल दोपहर में हम जब द्वारका जाने वाले थे तो उसके जस्ट तैयार हो रहे थे हम उस समय, और मुझे एकदम से याद आया कि उस व्यक्ति को मैंने कहा था फोन करने के लिए कि मैं कॉल बैक करूंगा, मैंने उसे कॉल बैक नहीं किया, मैंने एकदम से उस भाई को मैंने कॉल कर लिया और मैंने कहा भाई उस दिन आप फोन कर रहे थे। सबसे पहले मुझे ये अपने आप को मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, बहुत दुख मुझे अपने दिल में लगा कि जॉय तू प्रार्थना की पुस्तक
बनाने में इतना व्यस्त है कि कोई जिसको प्रार्थना चाहिए उसने तुझे फोन किया, तू उसको 3 दिन के बाद वापस कॉल कर रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ मेरे इस भूल के लिए। तो जब मैंने कल दोपहर में जब उस भाई को मैंने फोन किया, मैंने बोला भाई क्या हुआ था, तो भाई फोन पे रोने लगा। मुझे लगा कि वो यंग कपल है, शायद उनका मिसकैरेज हुआ है। मैंने बोला क्या आपका बच्चा गिर गया, ऐसा मैंने गेस कर लिया कि क्या, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यही होगा। वो भाई रोने लगा, उसने बोला थोड़ा भैया थोड़ा रुकिए। वो रोया थोड़ा, उसने अपने आप को शांत किया और फिर उसने मुझे कहा कि उसकी पत्नी के साथ उसका जो रिश्ता है बिल्कुल टूटने पर है और उसकी पत्नी उससे डिवोर्स चाहती है। हम अपने अपने काम करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर जिन लोगों को हमारी जिंदगी में लेके आ रहा है, लोग हमें फोन कर रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। और जो दूसरों की सेवा नहीं करना चाहता उसके पास हर समय बहाना होगा। अगर आप उसको रात को डिस्टर्ब करेंगे तो वो क्या बोलेगा, मैं बहुत थक चुका हूं। अगर दिन में उसके पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास बहुत काम है। अगर हम सेवा नहीं करना चाहते हमारे पास बहाने तैयार रहेंगे। लेकिन कोई कारण है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में लोगों को लेके आता है। हम सब लोग हाथ उठा के बड़े लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम 2-2 घंटे दुआएं कर सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन लोगों की केयर नहीं कर सकते जिनको परमेश्वर हमारी जिंदगी में लेके आता है तो हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। हम सब के सब व्यस्त हैं, हम सब जिंदा खुदा को जानने का घमंड करते हैं। मैं जानता हूं सच्चे खुदा को, मैं मसीही हूं, मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं। हम सब इस बात का घमंड कर सकते हैं, आई नो द लॉर्ड, आई नो द ट्रुथ, आई एम फुल ऑफ द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं, मैं सच्चाई को जानता हूं। लेकिन जिन लोगों के पास आशा नहीं है, जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, जिन लोगों के पास जिंदगी का उनको अर्थ नहीं पता, जिन लोगों को जिंदगी के बड़े बड़े सवालों का जवाब नहीं पता, जब वो लोग आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप अपने ही कामों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। जैसे ये आदमी अपने बिस्तर में बहुत मगन था, बहुत बहुत आराम से था ये आदमी, और हमें लगता है कि ये तो मेरा आराम करने का समय है। दिस इज द मिडनाइट ऑफ माई टाइम, Why are you disturbing me at my midnight? आप मुझे रात में क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि आप आराम कर रहे हैं। आप दिन में मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं तो काम कर रहा हूं। परमेश्वर ने 2 ही समय बनाया है, रात और दिन। रात को हमारे पास बहाना है, दिन को हमारे पास बहाना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम संसार के बनाने वाले सच्चे परमेश्वर को आप और मैं जानते हैं। और जब टूटे दिल वाले लोग जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे दफ्तरों में जिनके साथ हम काम करते हैं, पीपल हु वर्क विथ अस, पीपल हु लिव विथ अस, जिन दुकानों से जाके हम राशन खरीदते हैं, हम जिन मंडी में जाके जहां से हम सब्जी खरीदते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे खानदान के लोग जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, वो हमारे जीवन में आते हैं और हम परमेश्वर क्यों उनको हमारी लाइफ में लेके आ रहा है हम भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हर तरफ, एवरीवेयर अराउंड अस देयर इज नीड, लोग हमारे आसपास हमेशा आवश्यकताओं में हैं, जरूरत में हैं। जस्ट प्रेस इट। पीपल विद नीड्स ऑल अराउंड अस विल कम टू अस। हमारे आसपास के लोग अपनी जरूरतों के लिए हमारे पास आएंगे। क्योंकि आपके पास सच्चाई है, लोगों के पास नहीं है। आप जानते हो कौन है दुनिया का बनाने वाला और कौन है हमारा बचाने वाला, आप जानते हो, लोग नहीं जानते। लेकिन आप और मैं, आज जो मैं आपको आज बात बोलना चाहता हूं, वो मेन यही है, हम वी आर सेल्फिश पीपल, हम स्वार्थी लोग हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दिन में हम काम करने में व्यस्त हैं, रात में हम आराम करने के लिए व्यस्त हैं। लोगों के पास, लोगों के लिए हमारी जिंदगी में हमारे पास समय नहीं है। सोचिए कितने लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आए और चले गए, लेकिन आप उन लोगों को कुछ नहीं दे पाए क्योंकि आप लोग अपने स्वार्थ में बहुत बिजी थे।
And listen to this, लोग सिर्फ कुछ समय के लिए आपको दिए जाते हैं, लोग सिर्फ कुछ समय के लिए, only for a short while people come into your lives, सिर्फ कुछ समय के लिए लोग आपकी जिंदगी में आते हैं. ये आदमी रात में कब आया? रात में कब आया? इसको कब निकलना था? निकल जाता अपना. उसी प्रकार लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, या तो आप उन्हें ब्लेस कर देंगे या वो आपके हाथों से निकल जाएंगे, या तो आप उन्हें सच्चे परमेश्वर का ज्ञान दे देंगे, या तो आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बता देंगे, या तो आप उनको मरने से बचा लेंगे, या फिर आपके हाथ से लोग निकल जाएंगे. आपकी जिंदगी में आज तक कितने लोग आपने हाथों से जाने दे दिए क्योंकि आपने उनका ध्यान नहीं रखा? आप वो माँ नहीं बन पाए जिस प्रकार पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए माँ हूँ. आप वो पिता के समान उनका ध्यान नहीं रख पाए जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैंने एक पिता के समान तुम्हारा ध्यान रखा है. मैं आपसे पूछता हूं भाई बहनों, कितनों के लिए आप मां हो? कितनों के लिए आप बाप हो? कितने लोगों को आप शांति आराम देने वाले लोग बने हैं? परमेश्वर ने सिर्फ आपको अपना परिवार इस्टैब्लिश करने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर का राज्य इस्टैब्लिश करने के लिए चुना है. लेकिन कितनी बार हम सिर्फ अपने परिवारों को चलाने में व्यस्त रहते हैं और प्रभु के राज्य में हमारा योगदान इतना सा. आसपास हमारे लोग हैं जिनके पास आशा नहीं है, जो टूटे हुए लोग हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको नहीं पता कि दुनिया में हम कर क्या रहे हैं, क्या सच्चाई है, लोगों को नहीं पता. और इसलिए आप सबको अपने जीवन के बारे में यह सोचना है. जरूरतमंद लोग आपकी जिंदगी में आए और चले गए, लेकिन हकीकत यही है, अलग अलग चीजों के जरूरतमंद लोग आपकी जिंदगी में आएंगे. सामने देखिए दूसरी बात, लोग हमारी जिंदगी में तब आएंगे जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते. आप बताओ, रात को 7 बजे कोई आपके घर पे आ सकता है? आम तौर पे 7 बजे कोई आपके घर पे नहीं आ सकता क्या? 8 बजे आ सकता है? 9 बजे आ सकता है? जैसे ही 10 बज गए चांस थोड़े कम हो गए कि अब कुंडी लगा दो, अब कोई नहीं आएगा. कोई आएगा तो फोन करके आएगा. ये आदमी कब आया? रात में 12 बजे आया. इससे हम क्या सीखते हैं? लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, जिनके सवालों का जवाब आप ढूंढ सकते हैं परमेश्वर के पास जाके, ऐसे लोग, आशाहीन लोग, आप आशा वाले लोग हैं, आप उनको आशा दे सकते हैं, मीनिंग दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं. ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आएंगे. वो आधी रात को आपके पास आएंगे. कहने का मतलब, जब आप उनकी उम्मीद नहीं कर रहे, कल्पना भी नहीं कर रहे, लोग आपकी जिंदगी में आ जाएंगे. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने स्वार्थ में बहुत व्यस्त हैं तो फिर आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे. परमेश्वर लोगों को आपकी जिंदगी में तब भेजता है जब आप अपने कंफर्ट में होते हैं, अपने आराम में होते हैं, या अपनी व्यस्तता में होते हैं. परमेश्वर तब लोगों को अपनी आपकी जिंदगी में भेजता है. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए. लेकिन कितने लोग हैं भाइयों बहनों जिनको आपने इस प्रकार वापस भेज दिया है? हम सब बहुत बिजी होते हैं अपने अपने कामों में, और फिर जब आराम करते हैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब होना नहीं मांगते हैं हम लोग. लेकिन इस बात को सोचें, जिस समय आप आराम करने में व्यस्त हैं, उस समय शायद कोई आत्महत्या कर रहा है. जिस समय आप आराम करने में व्यस्त हैं, शायद कोई भूख के मारे मर रहा है. जिस समय आप आराम करने में व्यस्त हैं, हो सकता है उस समय कोई पति और पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि वो डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और तलाक लेना चाहते हैं. हो सकता है आप अपने आराम करने में इतना व्यस्त हैं कि उस समय कोई गलत फैसला कोई आदमी अपनी जिंदगी में लेने वाला है, लेकिन आप आराम करने में व्यस्त हैं. हम में से सब लोग स्वार्थी हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. द थर्ड थिंग, तीसरी बात जो हम देखते हैं, लोग हमारे पास तब आएंगे जब हमारे पास उनके सवालों का जवाब भी शायद नहीं होगा. ये आदमी जब रात को आया, इसके पास कुछ नहीं था उसे खिलाने के लिए. लोग आपके पास तब आएंगे
जब आपके पास शायद उनके सवालों का जवाब न हो, और इसलिए आपको लगता है मेरे पास तेरी प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी और के पास जाओ। जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, फंसे हुए हैं, दुख दुख में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, धोखे में हैं, अकेलेपन में हैं, डिप्रेशन में हैं, ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं, आपको लगता है मैं कुछ नहीं, व्हाट कैन आई डू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, पास्टर का फोन नंबर दे दो या किसी और को, भाई आप किसी और के पास जाएं। तो फिर सोचने की बात है कि परमेश्वर क्यों फिर ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेजता है जिनकी मदद आप करने के लिए तैयार भी नहीं है, आपके पास मतलब सोल्यूशन नहीं है, तो परमेश्वर क्यों ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेज देता है? परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है ताकि जब लोग आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप उनकी समस्याओं के लिए परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से उत्तर मांग के लोगों को दें, परमेश्वर से शांति मांग के लोगों को दें, परमेश्वर से कंफर्ट मांगे और लोगों को दें। जैसे ये आदमी जो सफर कर रहा था, इस व्यक्ति के घर में आया, इसके पास खाना देने के लिए था क्या? तो इसने क्या किया, अपने पड़ोसी के घर गया और वहां से खाना मांगा इस व्यक्ति को देने के लिए। यू सी, आपको एक बात पे विश्वास करना है, परमेश्वर लोगों को आशीष देने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। दिस फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन द वे दैट गॉड वर्क्स। परमेश्वर संसार के शुरुआत से इसी प्रकार काम करता है कि लोगों को आशीष देने के लिए किसको इस्तेमाल करता है? लोगों को इस्तेमाल करता है। क्या परमेश्वर आसमान से मन्ना नहीं फेंक सकता था इस आदमी के लिए? लेकिन इस आदमी को परमेश्वर ने इसके घर में भेजा, इसके पास था नहीं तो वो किसी और के पास गया, वहां से खाना लेके आया। इससे हम क्या सीखते हैं? जरूरतमंद लोग हमारी जिंदगी में आएंगे, तब आएंगे जब हम आराम कर रहे होंगे या बड़े व्यस्त होंगे, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में लोगों के लिए दरवाजा खोलना है, दिल खोलना है, और जो चीज उनको चाहिए, जो सवाल उनके हैं, हमारे पास जवाब नहीं है, हम कहां जाएंगे उन सवालों के लिए, उन जवाब के लिए कहां जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे। और दूसरों के लिए, सारे जोर से बोलो, दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे हर तरफ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जरूरतों में हैं। पीपल इन नीड आर ऑल अराउंड अस। अलग अलग अंधकार में पड़े हुए लोग, पापों में पड़े हुए लोग, अकल की कमी के कारण जो काम करते हैं, इस तरह के बेअकली के कामों में पड़े हुए लोग, फंसे हुए लोग, परेशान लोग, दुखी लोग, टूटे दिल वाले लोग, हमारे आसपास करोड़ों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे आसपास जो जिनके पास कोई आशा नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, भटके हुए लोग हैं। क्या आपका दिल ऐसे लोगों के लिए खुला है? क्या आपकी जिंदगी में जगह है और लोगों के लिए, या आपके जीवन की परिभाषा यही है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी और मेरा घर? अगर ये आपके जीवन की परिभाषा है तो आप स्वार्थी हैं। आपके दिल में औरों के लिए, बाइबल कहती है बी हॉस्पिटेबल, पहुनाई करो, मेहमान नवाजी करो। और पहुनाई करना, मेहमान नवाजी करना हमेशा खाने पीने की बातों का नहीं होता है। केवल खिलाने पिलाने को मेहमान नवाजी नहीं कहा जाता है। मसीही मेहमान नवाजी क्या होती है? जब दूसरों के दुखों को उठाने के लिए आप अपना हाथ देते हैं, चल मैं तेरी मदद करूंगा, वो है मेहमान नवाजी। जब आपकी जिंदगी में आप लोगों को आने के लिए अलाउ करते हैं, आओ मेरे जीवन का हिस्सा बनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, यह है असली मेहमान नवाजी, मसीही मेहमान नवाजी, जब आपका दिल दूसरों के लिए खुला है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सोचें इन बातों के बारे में। हमारे हर तरफ जरूरतमंद लोग हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं जब हम सो रहे होते हैं, मतलब हम आराम कर रहे होते हैं, या हम बहुत व्यस्त होते हैं, और जब वो हमारी जिंदगी में आ भी जाते हैं, हमें नहीं पता उनकी मदद कैसे करूं। लेकिन क्या आप प्यार दिखाने वाले लोग हैं? लोग तो आपकी जिंदगी में आ गए, लेकिन अपनी जिंदगी से लोगों को वापस भेजना एक मसीही के पास चुनाव नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी में आए उनको आप वापस नहीं भेज सकते हैं। आप नहीं कह सकते मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है तो कहीं और जा।
आप नहीं बोल सकते कोई आपको बोले मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. आप नहीं बोल सकते 3 महीने के बाद आना, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, 3 महीने के बाद तू मेरे पास आना. हो सकता है आज ही रात वो आत्महत्या कर ले. अमेरिका की कहानी है कि एक रेडियो स्टेशन था, ये सच्ची कहानी है, रेडियो स्टेशन एक मसीही रेडियो स्टेशन था. वहाँ पर यीशु मसीह के नाम का प्रचार दिन और रात करते थे. किसी ने सुन लिया एक ऐसी लड़की जो आत्महत्या करने वाली थी, उसने बाय चांस उस रेडियो स्टेशन में वो वचन सुन लिया और उसने इस रेडियो स्टेशन के दफ्तर में फ़ोन किया जो दूसरे शहर में था और उसने बोला कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ. इतना करके उसने फ़ोन काट दिया. रेडियो स्टेशन का जो मैनेजर था, जो बड़ा मालिक था, उसको मालूम, उसने पता लगाया पुलिस की मदद से कहाँ से फ़ोन आया, कौन से नंबर से और किस स्थान से फ़ोन आया. उस व्यक्ति ने खुद स्वयं फ्लाइट पकड़ी और उस शहर की उसने फ्लाइट पकड़ी और उसने पुलिस की सहायता से उस घर में पहुँच गया जहाँ पे वो लड़की आत्महत्या करने वाली थी. उसके वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उस लड़की की जान बच गई. कौन करेगा ऐसे, फ्लाइट लेके, क्योंकि उसके ऑफिस में खबर पहुंच गई मैं आत्महत्या करने वाली हूं. उसने फ्लाइट पकड़ी, तुरंत लोकल पुलिस की मदद से उसने उसकी जान बचा ली. आई थिंक जिस बात को लेके हमें रोज पति पत्नी को याद दिलाएगा, पत्नी पति को याद दिलाएगी और दोनों डिस्कस करेंगे, कहीं हम सेल्फिश तो नहीं हो रहे, कहीं हम स्वार्थी तो नहीं हो रहे, कहीं हम सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रहे. हमें हर रोज इस बात को लेके अपने आप को रिमाइंडर दिलाना है कि इंसान की नॉर्मल जो प्रवृत्ति है वो यही है कि वो स्वार्थी काम करे, सिर्फ अपने बारे में सोचे. लेकिन बाइबल कहती है, वचन में लिखा हुआ है कि तुम में से प्रत्येक जन सिर्फ अपने भलाई की बात नहीं लेकिन दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करे. बाइबल कहती है कि तुम एक दूसरे के बोझ को उठा लो. क्या लिखा है? एक दूसरे के बोझ को उठा लो. सो ऐसे लोग जिनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी जिंदगियों में आते हैं, लेकिन जब वो आपकी जिंदगियों में आते हैं, आपकी जिंदगी में स्वयं 3 प्रॉब्लम हैं. 3 प्रॉब्लम हैं आपकी खुद की जिंदगी में. या तो आप बहुत बिजी हैं, या तो आप बहुत थके हुए हैं, और अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी में आने भी दें तो उनके सवालों का जवाब आपके पास नहीं है. तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर से हम उत्तर लेके आएंगे और लोगों की मदद करेंगे. कितनी बार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम जब भी बुधवार की प्रार्थना करते हैं, मैं सोचता हूँ कि हम मेरे मन में आ रहा है, प्रभु ये लोग नए हैं, ये लोग आपके बारे में अभी जान रहे हैं, प्रभु ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, हम प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. मेरे मन में हमेशा था, प्रभु इनको ये लोग कैसे कर रहे होंगे प्रभु, मेरे मन में हमेशा ये आता है. लेकिन हमें ये बात को सीखना है, ये कठिन है, पर हमें इस बात को सीखना है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनना है. अब आप अपने आप से पूछें, क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं? What do you most pray for? Apart from the protection of your own children, अपने खुद के बच्चों की रक्षा से बढ़ के और कौन सी बात है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो? अपने खुद के कर्जे खत्म होने के अलावा और कौन सी बात है जिसके लिए आप दुआ करते हो? क्या आपके प्रार्थना के समय में और लोगों के लिए जगह है? इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक आदमी है, उसका दोस्त आधी रात में उसके घर में आया. इस आदमी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है उसको देने के लिए. इस आदमी ने पड़ोस के पास गया और पड़ोस के आदमी से मांगा मांगा मांगा, वो सो रहा है लेकिन मांगा मांगा मांगा, खाना मिल गया. वापस आया, किसको दिया? उसको दे दिया. और इस वचन, ये कहानी सुनाने के बाद यीशु मसीह, ये जो वचन है, एवरीबॉडी लुक इनटू योर बाइबल्स, हम खत्म कर रहे हैं एक मिनट में. ये कहानी सुनाने के तुरंत बाद यीशु मसीह ने वो वचन कहा जो 11:9 में लिखा हुआ है. सब लोग जोर से पढ़ेंगे अपनी बाइबल्स देख के. 11:9 में यीशु मसीह ने क्या कहा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज सिखाने वाला हूं.
रुको रुको, सब लोग खोल लें, जितने लोगों ने बाइबल खोल के तैयार है वो हाथ उठा लें. वेरी गुड, ओके, रीड. मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. नाउ सी, जब से हम बचपन से ना संडे स्कूल जाते थे या जब से हम विश्वास में आए हैं, हमने यही सुना है, मांगो तो दिया जाएगा. मतलब अपने लिए मांगो तो दिया जाएगा, अपने लिए प्रभु के पास खटखटाओ और खोजो तुमको मिल जाएगा, हमने यही सीखा है. लेकिन ये कहानी क्या है? इस ये जो कहानी है इसमें जो व्यक्ति है वो अपने लिए मांग रहा है या औरों के लिए मांग रहा है? अपने लिए रोटी मांगी या अपने मेहमान के लिए रोटी मांगी? अब समझ में आया, ये जो आस्किंग, नॉकिंग और सीकिंग है, ये किसके लिए करने के लिए प्रभु ने सिखाया था? दूसरों के लिए. और सारी उम्र हम इस वचन को अपनी मांगों के लिए इस्तेमाल, प्रभु आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर मैं आपसे मांगता हूं. देखिए ये वचन अपने लिए भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि अपने को दूसरों के लिए प्रभु के पास जाना है और अपने लिए किसी और के पास जाना है. किसके पास जाएंगे अपने लिए, बोलो? लेकिन जो यीशु की शिक्षा है, जो यीशु ने सिखाया था इस वचन को लेके, वो अपने लिए मांगना नहीं था, दूसरों के लिए मांगना था. आस्क फॉर अदर्स एंड इट विल बी गिवन टू यू फॉर देम. आप परमेश्वर से मांगो किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो आपकी जिंदगी में आया है, जिसके पास जीवन की रोटी नहीं है. ये आदमी तो कौन सी रोटी मांगने के लिए गया था? गेहूं की रोटी मांगने के लिए गया था ना. लेकिन लोग जो हमारी जिंदगी में आते हैं, लोग हमसे गेहूं की रोटी मांगने के लिए नहीं आते हैं. लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में आते हैं, उन वो भटके हुए लोग हैं, अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, उनको नहीं पता कि हमें जीवन की रोटी चाहिए. यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं. हमें दूसरे लोगों को जीवन की रोटी देनी है. कौन है जीवन की रोटी? यीशु है जीवन की रोटी. वो रोटी कहां से आई? वो किसी रसोई से नहीं आई. यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो मुझे खा लेगा वो कभी भूखा ना रहेगा. इस रोटी को मांगना है हमें परमेश्वर से, कि परमेश्वर मैं और लोगों को यीशु मसीह को दे पाऊं, मेरी मदद कर. प्रार्थना करनी है, मांगना, आस्क, बट आस्किंग फॉर होम, इट्स एक्चुअली आस्किंग फॉर अदर्स. दूसरों के लिए मांगने की बात हो रही है, दूसरों के लिए. मैं क्यों आप लोगों से कहता हूं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो? क्योंकि ये हमारी हैबिट होनी चाहिए, एक दूसरे को बोलना चाहिए मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना करूं. एक दूसरे के बोझ को उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है. इसलिए हमें दूसरों के लिए मांगना है, दूसरों के लिए खोजना है. सीक फॉर अदर्स. यीशु मसीह ये सिखाना चाहते थे दरअसल में. सीक फॉर अदर्स एंड इट विल बी गिवन टू यू फॉर देम. तुम औरों के लिए प्रार्थना करो, औरों के लिए खोजो सच्चाइयां और उनको दो. खटखटाओ तो दूसरों के लिए खटखटाओ, ताकि तुमको दिया जाएगा उनके लिए. तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है ना, तुम तो सबके सब सच्चाई जानते हो, लेकिन दूसरों के लिए सच्चाई कितनी मांग रहे हो? दूसरों का जीवन बदल जाए ये कितना मांगते हो? दूसरों के लिए घुटनों पे होके, आंसुओं में होके दूसरों के लिए कितनी प्रार्थना करते हो? दूसरे लोगों के जीवन के परिवर्तन के लिए कितनी प्रार्थना करते हो? यू सी, यू कैनॉट बी अ प्रेइंग पर्सन अनलेस यू आर अ लविंग पर्सन. आप जब तक एक प्रार्थना करने वाले आदमी नहीं बनोगे, जब तक कि आप एक प्यार करने वाले आदमी नहीं बनेंगे, जब तक आप प्यार करने वाले आदमी नहीं बनेंगे, तब तक आप प्रार्थना करने वाले आदमी. यू टेल मी, हाउ कैन यू प्रे फॉर समबडी हुम यू डोंट लव? जिसको आप प्रार्थना नहीं, जिसको आप प्रेम नहीं करते हैं, उसके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? एक बार की बात है, जब मैं पौंडीचेरी गया था और वहां पर जिस घर में मैं रुका, उस घर में दोपहर के टाइम जब मैं खाना खा रहा था, तो एक कमरा का दरवाज़ा खुला हुआ था. ड्राइंग रूम के अंदर बैठा था मैं, वहाँ पे खाना खा रहा था, और एक कमरे का दरवाज़ा क्या है, खुला हुआ है. और मैंने उस कमरे में बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस देखे, गत्ते के डब्बे बहुत सारे देखे. तो मैंने उस पास्टर से पूछा कि पास्टर ये इन डब्बों में क्या है?
ये क्योंकि आमतौर पे घरों में पूरा पूरा कमरा तो नहीं भरा रहता ना इन डब्बों से, सामान रहता है. तो मुझे लगा शायद कुछ जिनका ये घर है शायद कुछ ट्रेडिंग का बिजनेस करते होंगे, मुझे ऐसा लगा. उस पास ने बोला नहीं, हम बहुत सारे गांव में सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं. मुझे लगा अच्छा, मतलब ये लोग बहुत सारे गांव गांव में जाके सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो शायद इस डब्बे में बाइबल भरी होगी और यीशु मसीह के नाम की छोटी छोटी किताबें होंगी बांटने के लिए गांव में. उसी वक्त उस पास्टर ने मुझे, मैंने सिर्फ सोचा, पास्टर ने बोला कि हम जो बहुत सारे गांव में जाते हैं यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने के लिए, लेकिन पास्टर ने कहा कि उन बहुत से गांव में बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं होता. आपको मालूम है उस पूरे घर के में, उस पूरे कमरे में जो डब्बे थे उनमें क्या था? दवाइयां थी. किसी चर्च ने खर्चा नहीं किया था, एक आदमी ने जिसके पास जो पहले गुंडागर्दी हो, समझते हैं गुंडागर्दी, सब समझते हैं गुंडागर्दी, ओके जो आदमी पहले गुंडागर्दी करता था. कन्याकुमारी के पास कोई जगह है, वहां से वो मसीह में आया, उसने अपना गुंडागर्दी का सारा बिजनेस बंद कर दिया और सब कुछ सामान बांध के पति पत्नी और अपने बीवी बच्चों को लेकर के पौंडीचेरी में आके रह गया. उसके पास अभी कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उसके पास काम खोज रहा है. बच्चा उसका MBBS की पढ़ाई कर रहा है, बहुत खर्चा है, लेकिन फिर भी उसने पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, मैनेज किया. पैसों में खेल रहा था वो आदमी, ऐसी बात नहीं है. उसको उसको वो एक टफ टाइम से होके गुजर रहा था, क्योंकि गुंडागर्दी करो, एक तो राजा बनो और बहुत सारे पैसे कमाओ. अभी यीशु मसीह का नाम तो ले लिया, अभी गुंडागर्दी नहीं कर सकते, तो छोड़ना पड़ा. लेकिन अभी कोई मेहनत वाला काम चलने के लिए समय है. वो अलग अलग बिजनेस ट्राई कर रहे थे, अभी वो पैसे वाला आदमी ने, लेकिन फिर भी उस आदमी ने पैसा इकट्ठा किया और अपने कमरे में दवाइयां भर के रखी हुई, ताकि हफ्ते में एक बार जब मिशन टीम चर्च की जब गांव गांव जाती है तो लोगों को सुसमाचार देने के साथ साथ, इनफैक्ट पास्टर ने बोला हम 2 महीने तक सुसमाचार नहीं बांटते. पास्टर ने बोला हम जब किसी गांव में जाते हैं हम मुफ्त में दवाइयां बांटते हैं, लोगों का इलाज करते हैं जो बीमार लोग हैं, उसके बाद हम उनको यीशु के बारे में बताते हैं. मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या आप दूसरों को प्यार करने वाले लोग हैं? क्या आप ऐसे मसीही हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं? इन बातों के साथ मैं आपको आज बस यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूं कि वो जो कहानी थी कि जब आपके बिन बुलाए मेहमान जब आपके घर में आए, कहने का मतलब जो लोग जो आपकी जिंदगी में आते हैं, परमेश्वर उन जरूरतमंद लोगों को आपकी जिंदगी में भेजता है ताकि आप उन लोगों की जिंदगी में, उन लोगों की जिंदगी में ताकि आप लोग काम कर सके. सामने देखें, हम खत्म करने वाले हैं. पहली बात हमने क्या सीखी है, हमारे आसपास के लोग अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए हमारे पास आएंगे. चाहे आप आराम कर रहे हो, चाहे आप बिजी हो, लेकिन आएंगे. परमेश्वर तो अपना काम करता है, आपको परमेश्वर अवसर देता है दूसरे लोगों को तक बड़ी आशीष बनने का. और लोग हमारे पास तब आएंगे जब हम कल्पना भी नहीं कर रहे. रात में कोई कल्पना नहीं करता हमारे घर में कोई आएगा, लेकिन लोग आपके पास तब आएंगे जब आपने कल्पना भी नहीं करी होगी. तीसरा, लोग हमारे पास तब आएंगे जब उनकी जरूरतों के लिए हमारे पास हम तैयार भी ना होंगे. हमारे पास सवालों, लोगों के सवालों के जवाब नहीं होंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों को वापस नहीं भेज सकते हैं. पश्चाताप करना है आप लोगों को, जितने लोग आपकी जिंदगी में आए और बिना सच्चाई और प्रेम को जाने आपके हाथ से निकल गए. कितने लोग आपने जाने दिए, कितने लोग, शायद सैकड़ों लोग होंगे जो आपकी लाइफ में आए लेकिन आप उनके लिए आशीष नहीं बन सके. पीपल लेफ्ट, पीपल केम एंड लेफ्ट. पश्चाताप करने की बात है ताकि आप सीखें. मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 4-5 महीने से परमेश्वर मुझे ये सिखा रहा है कि जब कोई नया व्यक्ति मेरी लाइफ में आता है, मैं अपने मन ही मन ये प्रार्थना करता रहता हूं, परमेश्वर तू क्यों इस व्यक्ति को मेरी लाइफ में लाया है, जो तेरी इच्छा है मुझे जाहिर कर, और इस व्यक्ति के द्वारा क्या है जो तू मुझे देना चाहता है, या तू इस व्यक्ति को मेरे द्वारा किस प्रकार ब्लेस करना चाहता है. खुदा मुझे इस्तेमाल कर, इस व्यक्ति की लाइफ में मैं कुछ कर पाऊं. लोगों को वापस हम नहीं भेज सकते हैं. और अंत में
हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु के पास जाएंगे, सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं है। जो 30 दिन की हम प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर 30 डेज दैट वी आर प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे हैं 30 दिनों के लिए। आप नोटिस करेंगे कि मैंने हर रोज 11वें पॉइंट पे लिखा है कि आप अपने लिए प्रार्थना करें, लेकिन 11वें पॉइंट के पहले 1 से लेके 10 तक आप अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग प्रदेशों के लिए, DBF के पास्टर्स के लिए, एक दूसरे के लिए आप देखेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप ऐसे लोग बनना चाहते हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सब समझ रहे हैं? क्या आप ऐसे लोग बनना चाहते हैं जो औरों के लिए प्रार्थना करें? हाथ उठाए। हालेलुया, थाली बजाए, खुदा को धन्यवाद दें। प्रभु हम सबको ऐसे लोग बनाए कि हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलें, हम स्वार्थी ना बने, हम सेल्फिश लोग ना हो, लेकिन हम उन लोगों की ज़रूरतों को समझ पाएँ जो लोग प्रभु हमारी ज़िंदगी में भेजता है, ताकि हम उन लोगों के दास, गुलाम, सेवक हम लोगों के बन सकें।